लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 18 सी दैट इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा. क्वेश्चन नंबर 10th इज द एज वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल इज शोन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. हमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन दिख रहा है एनुअल फंक्शन में एज वाइज, राइट? वो दे रखा है, तो एज हमें दे रखी है, क्या क्या दे रखा है? एज इन ईयर्स दे रखा है और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? तो एज दे रखी है हमें 5 to 7 इयर्स की एज में एक्स स्टूडेंट्स, 7 to 9 में हमारे दे रखे 15 स्टूडेंट्स एंड 9 to 11 में दे रखे हैं हमारे 18 स्टूडेंट्स, 11 to 13 में दे रखे हैं 30 स्टूडेंट्स, 13 to 15 में दे रखे हैं हमें 50 स्टूडेंट्स, 15 to 17 में दे रखे हैं 48 स्टूडेंट्स एंड 17 to 19 में दे रखे हैं x स्टूडेंट्स. और आखिरी में क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 181. इस पूरे का सम 181 है वो कह रहे हैं. तो दैट मींस समेशन ऑफ f कितनी दे रखी है, 181 दे रखी है. आगे क्या कह रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, और हमें मोड भी निकालना है. तो वैसे तो इसकी फ्रीक्वेंसी का सम 181 है, लेकिन अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है ये देखते हैं. समेशन f इक्वल्स टू 5 + 8 इज 13, 13 + 8 इज 21, 2 कैरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 161 प्लस दोनों x हैं, दैट मीन्स दोनों सेम है, तो 2x, राइट? अब हम इससे एक तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है. सबसे पहले हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं. देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, हमारा समेशन f दे रखा है हमें 161 प्लस 2x, राइट? और समेशन टोटल हमें दे रखा है ये 181 है, तो हम इसको ये लिख लेंगे प्लस 2x, और ये इधर आ गया, तो ये कितना आया 181 माइनस 161 इक्वल्स टू 2x. तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना बचा 20, और x कितना आ गया हमारा 20/2, दैट इज 10. तो दैट मींस ये कितनी कितनी है, 10 है और ये भी 10 है, राइट? अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मोड. तो हमारा मोड का फॉर्मूला था l प्लस h इंटू f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2. तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू कितनी हुई, ये हुई 50. इसलिए मैंने पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाली जिससे कि हमें पता चल जाए ये कितनी है, राइट? और इससे पहली कितनी हुई f0, और इसके बाद वाली f1 के f2 हुई. तो अब देखिए इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, तो 13 प्लस h कितना हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 2 इंटू f1 कितना आया है, f1 आया 50 माइनस f0 आया 30, ट्वाइस ऑफ 50 माइनस 30 माइनस 48, राइट? अब ये कितना आया 13 प्लस 2 इंटू 50 में से 30 गया, दैट इज 20 अपॉन 2 इंटू 50 इज 100 माइनस ये 78 हो गया. तो ये कितना आ गया 13 प्लस 2 इंटू 20 अपॉन 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 7 गया 2. तो ये कितना आ गया 2 ones are 2, 2 11. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 13 प्लस 20 अपॉन 11. एलसीएम लिया 11, तो ये कितना आ गया 13 इंटू 11 प्लस 20. तो कितना आ गया 13 ones are 13, कैरी 1, 13 ones are 13 प्लस 1 इज 14 प्लस 20 अपॉन 11. तो ये कितना आ गया 163 अपॉन 11. तो हम इसको डिवाइड करेंगे 163 को 11 से, तो
इलेवन वन जा इलेवन 53, 11 फोर जा 44, 13 में से 4 गया 9, पॉइंट लगाया 0 हो गया 8 जा 88, 20 हो गया राइट। हम मोस्टली ये देखिए यहाँ जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो वन आएगी, तो हम मोस्टली इयर्स में वन डिजिट तक छोड़ देते हैं क्योंकि एज वन डिजिट तक छोड़ दीजिए, तो ये आ गया 14.8। तो हमारी मोड एज क्या हुई, मोड एज इक्वल्स टू 14.8 इयर्स इज द आंसर। फ्रेंड्स मुझे नहीं पता ये बुक में कैसे उन्होंने 10 और 11 दे रखी है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। 10 और 11 अगर आप रखेंगे तो आपका इस जो सम है वो 181 से ज्यादा बैठेगा, और उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया हुआ है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को मिला के पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल 181 है राइट। इसलिए ये यहाँ से कैलकुलेशन गलत होते होते उनका उसी अकॉर्डिंगली आंसर भी गलत आया है 18 ईयर्स। एग्जैक्ट आंसर इज 14.8 ईयर्स इज द आंसर।